अपने तबस्सुम टॉकीज को जरूर कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं शांत गोबल, आपकी अपनी तबस्सुम जी का बेटा, और आप देख रहे हैं तबस्सुम टॉकीज। माँ को घर से निकाला, उसे दर-दर भटकना पड़ा। जिन हालात में मेरी माँ की मौत हुई है, अगर आप अपनी आंखों से देखते, तो आपको खुद ही एहसास हो जाता कि आपको मेरा पिता कहलवाने का बिल्कुल हक नहीं है। दोस्तों, आज जिस एक्ट्रेस की बात मैं कर रहा हूं, उनके फैमिली के ज्यादातर लोग फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। उनके अंकल और आंटी अपने वक्त के मशहूर हीरो और हीरोइन थे। उनके पहले हस्बैंड भी मशहूर एक्टर और सिंगर थे। उनके सेकेंड हस्बैंड भी मशहूर हीरो है। उनका बेटा भी हीरो रह चुका है और वो खुद भी अपने वक्त की मशहूर हीरोइन थी, और वो हैं बेहद हसीन और खूबसूरत योगिता बाली। मेरे साथी हैं, मेरे पड़ोसी हैं। हमारी तरह उनके पास ना रेडियो है, ना ग्रामोफोन, ना सिनेमा देखने के पैसे हैं उनके पास, और ना ही सर्कस का टिकट खरीद सकते हैं वो। ...1952 में पैदा हुई थी योगिता जी। उनके वालिद का नाम था इरशाद हुसैन, और वो ब्लैक एंड वाइट फिल्मों के ज़माने में कैरेक्टर रोल्स किया करते थे जसवंत के नाम से, और वो पहले से शादीशुदा थे। योगिता बाली की माँ का नाम था हरिदर्शन कौर, और वो अपने वक्त की मशहूर हीरोइन गीता बाली जी की बड़ी बहन थी। योगिता बाली के एक छोटे भाई भी थे और उनका नाम था योगेश, और हम आपको बता दें कि योगेश मशहूर सिंगर हेमलता जी के हस्बैंड थे, लेकिन अफसोस वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। योगिता जी जब बहुत छोटी थी, तब उनके पिता उनके पूरे परिवार को छोड़ के पाकिस्तान चले गए अपनी पहली फैमिली के पास। उनके जाने के बाद योगिता जी और उनके परिवार को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, इसलिए योगिता जी की ज़्यादा पढ़ाई नहीं हो पाई। वो बचपन से ही एक्ट्रेस बनना चाहती थी। वो अपने अंकल यानी शम्मी कपूर और अपनी आंटी यानी गीता बाली जी से बहुत इम्प्रेस थी, और उन्हीं की तरह एक्ट्रेस बनना चाहती थी। जैसा कि हमने आपको बताया कि योगिता जी के ज़्यादातर फैमिली मेंबर्स फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए थे, इसलिए योगिता बाली को फिल्म इंडस्ट्री में आने के लिए स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। उन्हें अपनी पहली फिल्म बड़ी आसानी से मिल गई। फिल्म का नाम था परवाना, जो आई थी 1971 में, और उस फिल्म में उनके साथ थे शत्रुघ्न सिन्हा और द बिग बी यानी अमिताभ बच्चन। जीने की और साथ साथ मरने की कस्में खाई गई, और राजेश ने यह भी वादा किया कि वो मेरे लिए अपना ऑफिस बंबई ले आएंगे। परवाना फिल्म लोगों को बहुत पसंद आई, और साथ ही साथ योगिता बाली का काम भी। और 1971 में योगिता जी ने 4-5 फिल्में और साइन कर ली, जैसे गंगा तेरा पानी अमृत, मेम साहब पर्दे के पीछे और मेरे अपने। शाम, मुझसे क्यों नाराज हो? मैंने थोड़ी कहा था पिताजी को ट्रांसफर होने के लिए। कब जा रहे हैं? नेक्स्ट वीक। कोई इमरजेंसी है कह रहे थे पिताजी। सब? शाम, तुम आओगे ना? दोस्तों, 1971 के बाद देयर वाज नो लुकिंग बैक फॉर योगिता जी, और उन्होंने कई बेहतरीन और बड़ी फिल्में साइन कर ली, जैसे बुनियाद, बनारसी बाबू, एक मुट्ठी आसमान, समझौता और नागिन। कौन था? तुम्हारा यार विजय। श्रीमान कबाब में हड्डी बनने की कोशिश में थे, मैंने हड्डी निकालकर फेंक दी।
अच्छा किया। दोस्तों, योगिता जी अपने काम में बहुत मसरूफ थी, लेकिन 1976 में कुछ ऐसा हुआ जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। वो मशहूर सिंगर और एक्टर किशोर कुमार से मिली, दोनों एक दूसरे के करीब आए और दोनों ने शादी कर ली 1976 में। दोस्तों, योगिता जी किशोर कुमार से 20 साल छोटी थीं और शादी के बाद भी वो फिल्मों में काम करती रही। लेकिन अफसोस, बहुत जल्दी किशोर कुमार और योगिता जी में अनबन होने लगी बिकॉज ऑफ एज डिफरेंस, और 1978 में दोनों का डिवोर्स हो गया। दोस्तों, जब किशोर कुमार और योगिता जी के बीच अनबन चल रही थी, उस वक्त योगिता जी मिथुन चक्रवर्ती के साथ कई फिल्में कर रही थी। दोनों एक दूसरे को चाहने लगे और दोनों ने 1979 में शादी कर ली, और ये मिथुन चक्रवर्ती की दूसरी शादी थी। उनकी पहली शादी हुई थी हेलेना ल्यूक से, जो एक एक्ट्रेस थी। मिथुन चक्रवर्ती और योगिता जी के 4 बच्चे हैं, 3 बेटे और 1 बेटी, और उसमें से एक बेटा हीरो रह चुका है और हम उसे जानते हैं एज महा अक्षय चक्रवर्ती, यानी मीमो। दोस्तों, जब योगिता जी ने और मिथुन ने शादी कर ली, तब किशोरदा को बहुत बुरा लगा और वो बहुत नाराज थे, और उन्होंने फैसला किया कि वो मिथुन चक्रवर्ती के लिए प्लेबैक नहीं देंगे। लेकिन कहते हैं ना, टाइम इज द बेस्ट हीलर। कुछ अरसे बाद उन्होंने मिथुन के लिए गाना शुरू कर दिया। दोस्तों, मिथुन चक्रवर्ती के साथ शादी करने के बाद भी योगिता जी फिल्मों में काम करती रही और उन्होंने काफी कामयाब फिल्मों में काम किया, जैसे हादसा, वक्त की पुकार, मेरा कर्म मेरा धर्म और जमाने को दिखाना है। क्या खुशखबरी है? हम इम्तिहान में फर्स्ट आए हैं। रियली? अरे, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मेरे लिए नामुमकिन हो। नहीं नहीं, ये बात नहीं। ठहरो, कहाँ जा रही हो? तुम खुशखबरी लाए हो, मुंह मीठा कराना चाहिए। अभी मिठाई लेकर आती हूँ। दोस्तों, आम तौर पे जब हीरो और हीरोइन एक साथ कई फिल्मों में काम करते हैं तो उनमें गहरी दोस्ती हो जाती है। मिथुन चक्रवर्ती के साथ भी यही हुआ। उस वक्त मिथुन चक्रवर्ती श्रीदेवी के साथ कई फिल्मों में काम कर रहे थे और उनमें गहरी दोस्ती हो गई। योगिता जी कहती हैं कि मुझे उस वक्त समझ में आया जब मैंने किशोरदा को छोड़ा था तो किशोरदा पे क्या बीती होगी। आज मैं वही महसूस कर रही हूँ, लेकिन मैंने सब ऊपर वाले पे छोड़ दिया और ऊपर वाले ने मेरी सुन ली। बहुत जल्द मिथुन और श्रीदेवी का ब्रेकअप हो गया। दोस्तों, योगिता जी 1989 तक फिल्मों में एक्टिव थी और उनकी आखिरी फिल्म थी आखिरी बदला। इस फिल्म के बाद योगिता जी ने फिल्मों में काम करना बंद कर दिया। वो कहती हैं कि मैं अपने बच्चों की परवरिश खुद करना चाहती थी, इसलिए मैंने फिल्म लाइन छोड़ दी। दोस्तों, 2013 में योगिता जी ने एक फिल्म प्रोड्यूस भी की थी और उस फिल्म का नाम था एनिमी, लेकिन अफसोस, वो फिल्म फ्लॉप थी। अब उनके बच्चे बड़े हो गए हैं और योगिता जी अपने फैमिली के साथ रहती हैं मुंबई में और बहुत खुश हैं। वाह! तो दोस्तों, ऐसी बातें भी मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। आप बस देखते रहिए तबस्सुम टॉकीज़, करते रहिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।